और दोस्तों आपने पूरा मज़ा लिया होगा कौसानी की इस पूरी वीडियो के साथ। अब हम चलते हैं यहाँ से अल्मोड़ा के लिए। हमारा नेक्स्ट जो लोकेशन है अल्मोड़ा है। हम कहाँ पे रुकेंगे शायद हम उस लोकेशन को तो ना बता सकें क्योंकि वो एक मिलिट्री एरिया है और हम उस लोकेशन को बहुत ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, लेकिन अल्मोड़ा का जो नियरेस्ट लोकेशन होगी, आसपास की जो लोकेशन, उसे हम ज़रूर आपके लिए कवर करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी जगह है वहाँ पे। अभी देखिए पीछे से आपको कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है, कितनी बढ़िया खेती दिख रही है। ये देखिए कितनी अच्छी खेती है और मज़ा आ गया दोस्तों। और यहाँ पे सबसे अच्छी जगह है, अगर आप कोई होम स्टे लेना चाहते हैं तो 1200 में आपको होम स्टे ही मिल जाएगा, वरना वो जो गांधी आश्रम वाला है, अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप गांधी आश्रम में भी आके रह सकते हैं। वहाँ 500-700 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा, खाने का अरेंजमेंट भी है, फिर आप गाड़ी करके आसपास कहीं घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों हम हैं अभी सोमेश्वर में और ये एक लोकल एरिया है सोमेश्वर का। और यहाँ से कौसानी से निकले हैं। कौसानी है यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर पीछे की तरफ। आगे जो एरिया जाता है, आइए हम आपको दिखाते हैं आगे की जो रोड जाती है। यहाँ से लगभग 44 किलोमीटर लगभग यहाँ से अल्मोड़ा है और 42 किलोमीटर लगभग यहाँ से रानीखेत है। ये देखिए यहाँ की कुछ लोकल सब्जियां, बैंगन, प्याज वैसे तो पूरा नीचे से आता होगा ना। क्या रेट चल रहा है प्याज यहाँ पे? 50 का प्याज है। और शिमला मिर्च ये सब यहीं की है कि ये अभी बाहर का ही सब आ रहा है? तो क्या है यहाँ गोभी भी नहीं। सब बाहर का है यहाँ? अच्छा ओके। यहाँ लोकल मंडी कहाँ है आसपास? मंडी नहीं है ओके। चलिए यहाँ लोकल मंडी नहीं है, ये सब चीजें अधिकतर बाहर से आती हैं। एक मोटा मोटा ओवरव्यू दिखाने की कोशिश है मार्केट की, कैसा होता है पहाड़ों का मार्केट। और यहाँ की बहुत ही फेमस जो चीज होती है बाल मिठाई, मिठाइयों में हम उसको भी दिखाते हैं आपको। स्टेट बैंक भी है यहाँ पे, एक दो एटीएम भी है यहाँ पे, आप एटीएम देख सकते हैं बिल्कुल। आइए कुछ देखते हैं मिठाई में, बाल मिठाई भी है यहाँ पे। एक आइए मिठाई की दुकान भी देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। ये देखिए संतरे, केले, इधर देखते हैं हम लोग ये बाल मिठाई। ये बाल मिठाई क्या रेट है? बाल मिठाई 350। और बिस्किट भी हैंडमेड है क्या? ये वाले बिस्किट, ये क्या करें, आधा किलो मिठाई आधा किलो बिस्किट कर लें। दोस्तों उत्तराखंड मिठाइयों के लिए बहुत ही फेमस है और ये है यहाँ की बाल मिठाई। ये बहुत ही बेक करके बनाई जाती है। थोड़ा सा एक बार बताएंगे बाल मिठाई कैसे बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है बाल मिठाई? खोए की बनती है, खोए की बनती है, खोए को बेक किया जाता है बहुत ज्यादा। ओके ओके, बिल्कुल चॉकलेट जैसा उसमें फ्लेवर आता है ना। फिर बाल दाना उसमें लगाया जाता है। ओके, बाल दाना लगाया जाता है। ये किसका बनता है, व्हाइट वाला बाल दाना? पोस्ता का। ओके, पोस्ता दाने की तरह एक तरह से होता है। चलिए थैंक यू दोस्तों। ये सोमेश्वर मार्केट में शॉप है, क्या नाम है शॉप का? तनुजा स्वीट्स। यहाँ से हमने बाल मिठाई ली है और मिठाइयाँ वैसे भी नॉर्मली उत्तराखंड की बहुत फेमस हैं। ये यहाँ पे कुछ फल भी हैं। और चलिए चलते हैं अब हम आगे की तरफ। ये है देखिए, ये रास्ता आता है रानीखेत के लिए और ये रास्ता आता है अल्मोड़ा के लिए। तो हमें अल्मोड़ा जाना है, हम अल्मोड़ा की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे केमिस्ट की शॉप भी है। ओह सॉरी, ये देखिए यहाँ पे सब्जियों की भी शॉप है। और जैसा कि यहाँ भी बताया गया कि नॉर्मली सब्जियाँ जो है वो बाहर से ही आ रही हैं, अभी लोकल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या है, बंदरों की भी बहुत समस्या है, बंदर यहाँ बहुत आतंक मचाते हैं। तो ये एक छोटा सा एरिया है सोमेश्वर के नाम से। तो हमने कोशिश करी है आपको कि एक मार्केट दिखाने की कि पहाड़ की मार्केट कैसी होती है। ये देखिए ये मोबाइल रिचार्ज की शॉप,
ये नॉर्मली सब्जियों की शॉप, कदम कदम में सब्जियों की शॉप मिल जाएंगी, मोबाइल की शॉप, कुछ खाने पीने की शॉप, और जैसा कि जितनी भी मिठाई की शॉप है वहाँ बाल मिठाई तो यहाँ की फेमस ही है, तो बाल मिठाई आपको हर जगह दिख जाएगी। ये देखिए ये है शॉप्स, और ये है एक छोटी सी सोमेश्वर की मार्केट, चांद हेयर डसर, वाह क्या बात है। गाड़ी चल के देखो, ये है दोस्तों एक मंदिर मार्केट में, और अब लगभग मार्केट खत्म हो रही है। ये एक फल की शॉप, ज्वेलरी शॉप, बस एक ऐसा मोटा मोटा और भी आपको हमने मार्केट का दिया है।